to talk about next phylum, which is Coelenterata, and another name is Cnidaria. We are going to talk about the general characteristics of coelenterates. Okay, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जिसमें हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि कॉमनली 9 टू 12 तक आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और आगे अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है. सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, या कोई भी करेक्शन करवाना है, देन आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी. तो चलिए देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Coelenterata. ओके, अवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर मल्टी सेलुलर, यानी सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे एग्जिबिट टिश्यू ग्रेड सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारे होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, और वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ये हमारा होता है टिश्यू ग्रेड सिस्टम. इसी तरीके से सेल ग्रेड सिस्टम भी होता है, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम भी होता है. जैसे टिश्यू का है तो वो टिश्यूज का, मतलब सेल का एक ग्रुप होगा जो एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाएगा, देन वो एक परफॉर्म करेगा फंक्शन, स्पेशल फंक्शन को. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसमें दे आर डिप्लोब्लास्टिक, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी. डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें आपके दो ही लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. मीजोडर्म इसमें एब्सेंट होता है. देखिए फोर्थ पॉइंट में भी मैंने, मतलब इसमें मेंशन हुआ है, आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म. इसका मतलब जो हमारी लेयर होती है मीजोडर्म, वो एब्सेंट है इसमें. ओके, इसीलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है. ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर ये होता डाई की जगह ट्राई आ जाता तो ये आपका इसमें मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती. ओके, नेक्स्ट इसमें है हमारा दे शो रेडियल सिमेट्री इस तरीके से. ओके, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, पानी वाले होते हैं. दे कैन लिव इन बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट. मराइन समुद्र पानी और फ्रेश वाटर दोनों में भी रह सकते हैं, खारे पानी में और मीठे पानी दोनों में ये रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है इसमें हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज द माउथ इज सराउंडेड बाय शॉर्ट एंड थिन टेंटिकल्स. टेंटिकल जैसे आप इसमें देख रहे हो, जेली फिश को देखिए, ये छोटे छोटे टेंटिकल्स जो निकल रहे हैं ये इसके टेंटिकल्स हैं. हाइड्रा में आप देख सकते हो, तो इनके जो माउथ होता है इसके आसपास छोटे छोटे और पतले पतले, थिन यानी पतले पतले टेंटिकल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. मतलब इनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर भी होता है और सेल के बाहर भी होता है. ओके, इसका मतलब ये है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट. मतलब इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है. ओके, दे आर ए सेलेमेट. इनके अंदर बॉडी फिल्ड फ्लूड नहीं होता है. जैसे हम जो हैं ह्यूमंस की बात करें या हम मैमल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सेलेमेट होते हैं. सेलेमेट मतलब इनके बॉडी के अंदर एक फ्लूड फिल्डअप रहता है, बट ये जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूड फिल्ड नहीं रहता है. दे एक्सक्रीट एंड रेस्पायर थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसी के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं. दे आर एमोनोटेलिक. ओके, ये क्या करते हैं, जो हमारा Coelenterates का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसकी जगह पे ये अमोनिया को वेस्टेज के थ्रू निकालते हैं. मतलब एक अमोनिया को ही वेस्टेज में निकालते हैं, वेस्टेज के रूप में. बॉडी में कोई भी वेस्ट इनका है तो इनके बॉडी के वेस्ट में अमोनिया निकलती है. ओके, अमोनिया ये लोग निकालते हैं, इसीलिए इनको अमोनोटेलिक बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स हैं ये, कैन डाइजेस्ट एनीथिंग बट स्टार्च. ये सारी चीज डाइजेस्ट कर सकते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कार्निवोर्स हैं तो आप लोग जानते हैं कार्निवोर्स यानी मांसाहारी जो होते हैं वो कुछ भी डाइजेस्ट कर जाते हैं. किसके अलावा, स्टार्च के अलावा, सिर्फ स्टार्च को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. लास्ट, दे रिप्रोड्यूस मोस्टली एसेक्सुअली थ्रू बडिंग. ये एसेक्सुअली यानी इनको अपने पार्टनर की या नेक्स्ट किसी अदर पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से ही रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द बडिंग. ओके, बडिंग के थ्रू.
सो गाइज, आई होप कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इसको देख सकें, इससे नॉलेज गेन कर सकें, उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।